गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ न्यू टॉपिक है हमारा प्रोफेशन, मीनिंग अ पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड स्किल नॉलेज ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेंडर सर्विस एंड इन रिटर्न रिसीव फीस इज कॉल्ड प्रोफेशन। अ पर्सन जिसके ऊपर स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल एजुकेशन है और लेंडर वो अपनी जो भी स्किल है, नॉलेज है, ट्रेनिंग को उसको लैंड करता है सर्विस में, सर्विस प्रोवाइड करता है और रिटर्न में उसे फीस मिलती है, उसे रिटर्न में उसकी फीस मिलती है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। अ प्रोफेशन हैज़ ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोफेशन एजुकेशन। एक प्रोफेशन के लिए उसे मेंबरशिप मतलब रेस्पेक्टिव कोई एसोसिएशन होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से उसने डिग्री मेंबरशिप उसने अचीव की होगी। ही हैज़ टू ऑबे द एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएट। उसको जो भी कोड ऑफ कंडक्ट जो एस्टैब्लिश एसोसिएट ने बनाया है उसे फॉलो करना है, ऑबे करना है। जैसे एग्जांपल, चार्टर अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सीए। तो चार्टर अकाउंटेंट है तो उसके पास एटलीस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीए की होनी चाहिए एंड हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और वो मैम तब अगर उसके पास सीए का क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, उसके पास वो डिग्री है, तो वो हमारे चार्टर अकाउंटेंट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मेंबर। जैसे डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटेटर, चार्टर अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ये तो प्रोफेशनल पर्सन मतलब स्पेसिफिक ये डिग्री की हमें ज़रूरत होती है। डॉक्टर के लिए MBBS हो गया, लॉयर के लिए LLB हो गया, तो ये सारे चीज़ के लिए तुम्हें हमारे जो डिग्री की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं प्रोफेशन। अ प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल स्किल को हम एम्प्लॉयमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रोफेशन आप कहीं जाके जॉब भी कर सकते हैं। व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट टू लैंड अ सर्विस इन हॉस्पिटल एंड रिटर्न सैलरी। अगर एक डॉक्टर है वो कोई हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्विस को लैंड कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उसको रिटर्न में वापस सैलरी मिलती है हर महीने, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेसर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेसिफिक नॉलेज स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। एक प्रोफेशन के पास मतलब स्पेसिफिलाइज नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट किया होना चाहिए। ही चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। वो चार्ज करता है फीस, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बदले में वो फीस चार्ज करता है। स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेराइज एज पर एज स्किल। उसकी जो फीस होती है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग, उसकी स्किल के हिसाब से वो वेराइज अलग अलग हो सकती है, उसकी स्किल नॉलेज के हिसाब से। एक प्रोफेसर की जो फीस होती है वो अलग अलग लोगों से वो अलग अलग होती है। इन प्राइम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन टू लैंड। उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, लैंड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। इट इज़ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। वो इंडिपेंडेंट है मतलब वो उसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो लॉयर है तो वो कुछ भी जाके कहीं पर भी केस लड़के मतलब अपनी जो भी स्किल है वो प्रोवाइड करके अपने लिए वो फीस अर्न कर सकता है, मतलब वो कमा सकता है, वो उसके लिए उसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। द प्रोफेसर एक्टिविटी हैव नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन। प्रोफेसर की एक्टिविटी प्रोफेशनल अगर है तो उसे कोई भी प्रोडक्शन से कोई भी उसका रिलेशन मतलब उसे कोई भी पर्सनल या बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। उसे खाली जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक लॉयर है, पर्सन है, तो वो केस खाली जा कोर्ट में अपने बिहाफ अपने क्लाइंट के बिहाफ में खाली लड़ सकता है। उसके लिए उसको कोई भी प्रोडक्शन करना या कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई बिजनेस, कोई बिल्डिंग, उसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एसेंशियल टू ऑबे द कोड ऑफ कंडक्ट। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे ऑबे करना उसके लिए ज़रूरी है। मॉनिटरी रिटर्न रिमेन अनसर्टन। प्रोफेशन में जो मॉनिटरी रिटर्न होता है मतलब जो उनकी फीस होती है वो अनसर्टन होती है, मतलब अनदेखा। कभी उनको बहुत ज़्यादा फीस भी मिल सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है उनको फीस ना भी मिले या उनको लॉस भी हो सके, तो वो अनसर्टन होता है। नाउ न्यू दूसरा टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब। इफ़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर द फिक्स सैलरी वेर द वर्क इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और रिटर्न में बदले में हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है, वर्क हमने असाइन किया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और हमने कोई काम लिया है और उसके बदले में हमें हर महीने फिक्स सैलरी की इतनी सैलरी मिलती है, उसे कहते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम जॉब कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल और द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर टीचर कोई स्कूल में टीच करती है तो उसे कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में तो उसे कह सकते हैं गवर्नमेंट वो एम्प्लॉय है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। फिक्स सैलरी पेड एट फिक्स इंटरवल इन द रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। जो भी उसने काम किया है वो फिजिकल वर्क मतलब अगर उसने सर्विस प्रोवाइड की या कोई उसने
मेंटल वर्क मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड किया, फिजिकल मतलब कोई उसने सामान उठाया, अपना कोई मेहनत किया हो, तो उसकी फिक्स सैलरी मतलब एक इंटरवल टाइम मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे वर्कर्स है तो उनको हर महीने के मतलब हर दिन कैंडिंग, या कोई हम ऑफिस में जॉब करते हर महीने की एंडिंग, मतलब एक इंटरवल के बाद उनको फिक्स सैलरी पे की जाती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, सर्टन अदर बेनिफिट आर अवेलेबल, कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते अवेलेबल है उनके साथ, जैसे कि सैलरी के साथ साथ मेडिकल अलावेंस हो गया, पेंशन हो गया, फिर डीआरएस हो गया, अलावेंस अलग अलग अलावेंस हो गया एक्सेट्रा, तो ये सर्टन बेनिफिट भी उनको मिलता है एज पर एज उनकी सैलरी के अलावा। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर एज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उनको वो जो भी उनको वर्क असाइन किया है उनको वो वर्क को परफॉर्म करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें काम दिया है तो उन्हें वो चीज़ को परफॉर्म करना है सारा चीज़ को, और एम्प्लॉयर के कंट्रोल के अंदर। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर, रिटायरमेंट बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर प्री डिटरमाइंड, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वर्किंग कवर होगी, रिटायरमेंट कब होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद एक्सेट्रा, ये सारा एम्प्लॉयज़ को पहले से प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही पूरा डिटरमाइन होता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ द डिपेंडेंट एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि हमें उसके लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे बिजनेस के ऊपर डिपेंड या कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर एज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, जो भी काम कर रहा है और जो भी उसको सुपरवाइज कर रहा है, उन दोनों जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे बने होते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय द एम्प्लॉय, यहाँ पे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एम्प्लॉय को कोई भी कैपिटल वैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको आराम से बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे भी वो अपना बिजनेस आराम से कर सके। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन किया है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो जो हमने ऊपर देखा है वही चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट नेचर ऑफ वर्क, तो बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि गुड्स और सर्विस को सप्लाई करना है कस्टमर में और बदले में पैसे कमाना, मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी, कि हमने सप्लाई किया कस्टमर का गुड्स और हमने मनी एक्सचेंज किया। प्रोफेशन में क्या है कि पर्सनल बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी सर्विस है वो लैंड करना और रिटर्न में फीस चार्ज करना है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि प्री डिटरमाइंड वर्क, जो भी रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वर्क है वो वर्क को हमें परफॉर्म करना है। क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम बिना क्वालिफिकेशन के भी बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की क्वालिफिकेशन हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, वो ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन ज़रूरी एज पर एज जॉब के हिसाब से, कि हम जो काम करें उसकी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम वर्कर्स हैं तो वर्कर्स के लिए जितनी भी हमें ज़रूरत है कि भाई ये काम आना चाहिए तो वो सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम मैनेजर की पोस्ट है तो उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब जो काम करें उस हिसाब से हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। रिवॉर्ड और रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। यहाँ पे हमें रिटर्न में हम कोई भी काम प्रोवाइड करते हैं तो बदले में हमें फीस मिलती है, और यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं उसमें बदले में हमें आयदर सैलरी या वेजेस, सैलरी मतलब हमें हर महीने जो सैलरी होती है जो हमें फिक्स टाइम पीरियड के बाद मिलती है उसे सैलरी, और वेजेस का मतलब मजदूरी। कैपिटल, बिजनेस हम अगर कर रहे हैं तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें पहले कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो कैपिटल की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल के रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि हमें थोड़ी बहुत छोटी, फॉर एग्जांपल हमें ऐसे लॉयर ऐसे डॉक्टर है तो हमें अपना खुद का ऑफिस ये क्लिनिक खोलना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क अनसर्टन है क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है, आइदर लॉस भी हो सकता है, तो बिजनेस में अनसर्टन है। यहाँ पे रिक्स है अनसर्टन ऑफ फीस के रिलेटेड, कि मे बी कभी फीस कोई कोई नहीं मिलती है या फिर कभी कभी हमें लॉस मतलब फीस नहीं भी मिल सकती है तो हमारा नुकसान भी हो सकता है, और यहाँ पे लेस रिक्स है क्योंकि रेगुलर हमारा जो भी सैलरी है फिक्स है तो हमें मिल जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, तो लेस प्रोविजन है कि बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किया है प्रोफेशन एजुकेशन में वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट को हमें अवॉय करना पड़ता है। रूल्स स्पेसिफाई एग्रीमेंट में जो भी है उसको फॉलो करना पड़ता है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें जो भी रूल्स है वो फॉलो करना है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, तो यहाँ पे ऑनरशिप पॉसिबल है, हम चाहे तो किसी को भी अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नॉट पॉसिबल, हम किसी को भी अपनी डिग्री नहीं दे सकते, अगर हम डॉक्टर हैं हमने किसी और को देना तो नहीं दे सकते हैं, हम लॉयर हैं तो नहीं दे सकते, इवन हम मैनेजर हैं तो भी हमने डिग्री हम किसी और को नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल। नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप, और एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास कोई भी ऑनरशिप का टाइटल नहीं होता है। तो ये हमारा था तीनों, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन।
थैंक यू।